हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, कडलुंडी श्रिंकिंग मड फ्लैट अवे। तो ये क्या श्रिंक हो रहा है, कहाँ पर है ये मड फ्लैट, क्या है इकोसिस्टम, क्या है, चलिए देखते हैं। कडलुंडी विलेज कोस्ट ऑफ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो सबसे पहली बात केरला में है, ठीक है, इसको मार्क कर लो। कदली कहाँ पर है, केरला में है, ठीक है। इंटरटाइडल मड फ्लैट इन अर्लियर 2000s, today the expanse of the mudflats in the estuary of the Kadalundi Puzha River has reduced to about 1 hectare. तो ये और देखिए, कादालुंडी पुझा रिवर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। 8 hectare से ये, तो इसको कंजर्वेशन की जरूरत तो है ही। This too is gradually being covered with sand, depriving prey to thousands of birds. Important होते हैं, that migrates from colder climes in winter to the village. तो ठंडी में ये लोग आते हैं, ठीक है, और माइग्रेटरी बर्ड्स होंगे। मतलब मड फ्लैट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड एंड रिस्टोर्ड, कडलुंडी विल वैनिश फ्रॉम द ग्लोबल मैप एज अ प्रोमिनेंट डेस्टिनेशन ऑफ माइग्रेटरी शोर बर्ड्स। तो माइग्रेटरी शोर बर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इन अ फ्यू ईयर्स इट इज द अबंडेंस ऑफ प्रे सच एज पॉलीचेट्स, यहाँ पे ये है, एंड द क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस एक है यहाँ पे, ये दोनों चीज़ों को वो शोरबर्ड्स खाती हैं, उनके खाने हैं ये सब, इसलिए ये लोग यहाँ पे आती हैं। इन द मड फ्लैट दैट अट्रैक्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ माइग्रेंट शोरबर्ड्स टू कदलुंडी फ्रॉम प्लेसेस सच एज साइबेरिया, लद्दाख, मंगोलिया एंड स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे। वी हैव ट्राइड टू कन्विंस द गवर्नमेंट थ्रू मेमोरेंडम्स ऑफ द प्रोटेक्ट मड फ्लैट इकोसिस्टम ऑफ कादालुंडी फ्रॉम अदर इन्वेजिव एलिमेंट्स जस्ट सैंड बैंक। तो एक इन्वेजिव एलिमेंट कौन है, सैंड बैंक एंड मैंग्रोव्स, दो इन्वेजिव सैंड मैंग्रोव्स, बट द रिस्पॉन्स हैज बीन पैसिव। तो रिस्पॉन्स इतना ठीक ठाक नहीं था, तो इन्होंने ये चीज बोला है, हु हैव बीन स्टडिंग इकोलॉजी इन की पढ़ाई, द मैंग्रोव थ्रेट, ये मैंग्रोव का थ्रेट क्या है। हाउएवर एफर्ट्स आर ऑन द पॉपुलराइज इको टूरिज्म इन कादालुंडी रिजर्व, एवीसीआर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे इको टूरिज्म बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इको टूरिज्म बढ़ेगा तो पैसा आएगा, मैंग्रोव्स को बढ़ाया जाए, बढ़ावा दिया जाना है। दी 154 हेक्टेयर ऑफ केवीसीआर हैज 50 मैंग्रोव अ फ्यू ईयर अगो, बट दिस ट्रीज हैव थ्राइव इन सॉल्ट वाटर हैव प्रोलिफरेटेड सो फास्ट दैट दे करंटली ऑक्यूपाई मोर देन 60 हेक्टेयर। 50 से 60 चले गए हैं और हमें पता भी नहीं चला। वी आर प्लानिंग फोर मोर न्यू स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव, तो न्यू स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं। इको टूरिज्म इन कडलुंडी, इन्होंने ऐसा बोला है, द सेडिमेंटेशन ऑफ द सैंड्स ऑन द फ्लैट नॉट ओनली ब्रिंग्स डाउन द अमाउंट ऑफ रेन देयर बट आल्सो हेल्प्स मैंग्रोव इजीली प्रिंट द फॉरेस्ट मैंग्रोव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कडलुंडी अकॉर्डिंग टू रिसर्च और दूसरों को खत्म कर रहे हैं। इस आर्टिकल में ये जितने भी पॉइंट्स मेंशन है वो सारे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बार देखते हैं क्या है, आप देखिए, सबसे पहले कादालुंडी कहाँ पर है, केरला में है, साउथ वेस्ट ऑफ, ठीक है, अर्ली थाउजेंड्स में। अब कितना हो गया, 1 हेक्टेयर हो गया है, तो मतलब कम हो रहा है। कादालुंडी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एक हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर हो गया, ये थर्ड पॉइंट। शोर माइग्रेटरी बर्ड्स जो कोल्डर साइंस होते हैं, ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इसको तो ये बैक पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्यों है बोलो, क्योंकि अबंडेंस ऑफ पॉलीचेट्स एंड क्रस्टेशियंस, ये इन लोग को मिलता है यहाँ पे अबंडेंस में, इसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। ये सिक्स्थ पॉइंट हो गया। लोग कहाँ से आते हैं, स्कॉटलैंड, साइबेरिया, लद्दाख, मंगोलिया, ये 7th पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गया। और आप देखिए, थ्रू मेमोरेंडम यहाँ पे कौन कौन है, एक सैंड बैंक और एक मैंग्रोव्स। तो आप देखिए, ये 8th पॉइंट हो गया इनविजिव, और उसके एक ए है एक बी है, ये सैंड बैंक और ये मैंग्रोव्स, ठीक है। इतने हमारे लिए ये दो इनविजिव है। अब ये इको टूरिज्म आपको 8th से 9th पॉइंट हो गया, इसके वजह से यहाँ पे मैंग्रोव्स का एक्सपेंशन किया जा रहा है।
50 से 60 ग्रुप हैं। अब ये हो गया 10th पॉइंट, तो मतलब ये बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन स्पीसीज को और ला रहे हैं हम लोग, 11th पॉइंट हो गया। विविपरस मैंग्रोव जो है ये बहुत ही आपका एग्रेसिवली इनवेसिव बिहेवियर, तो ये आपको 12th पॉइंट। इस आर्टिकल में आप देखिए कैसे हमने पॉइंट वाइज पूरा आर्टिकल कवर कर लिया। सो थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क हार्ड टू। थैंक यू।